एक स्क्रू खो गया है जिसकी वजह से ये ढीला हो गया थोड़ा। कितना मस्त लग रहा है, कितना हरा भरा है पहाड़ देखो सामने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:30 और आज मौसम पूरा साफ हो गया है। देखो ये देखो, धूप तेज है आज भाई। तो चलिए इस सनी वेदर में आज ठंडा ठंडा आम खाता हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और मैं आया था राइड पे और डाक पत्थर के जा रहा हूँ और मौसम एकदम खुल गया पूरा। तो देखो कितना मस्त लग रहा है, दिखा। ये देखो गाइज क्या मस्त हो रखा मौसम। मस्त सीन लग रहे हैं आप, बहुत दिनों से पूरा बादल वाला मौसम था, बारिश ही बारिश। आज मौसम साफ हुआ है तो आप देखो कितना मस्त लग रहा है, कितना हरा भरा है पहाड़ देखो सामने। सामने ग्राउंड है, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और मेरा तो मन कर रहा है बस यहीं बैठ के देखते रहो यार सीन को। गाइस गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बगुलामुखी मंदिर की तरफ, जो रास्ता जाता है उसमें हूँ। और यहाँ पर देखो फॉरेस्ट, छोटा सा रास्ता, काफ़ी मस्त है देखो, पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ। अभी बगुलामुखी मंदिर पहुँचने वाला हूँ, ये रास्ता जाएगा सीधा और वो आप वहाँ देख सकते हो, बाढ़ वाला पुल दिख रहा है देखो ये रहा। और वहाँ पर भी क्या मस्त सीन है, धूप आ रखी पूरी और लैंडस्केप देखो कितना मस्त लग रहा। तो गाइस अभी इस चढ़ाई से आ रहा था, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा आपको लेकिन 16-20% का ग्रेडियंट है और सामने वो रास्ता जाएगा बगुलामुखी मंदिर की तरफ। तो चलो चलते हैं। अभी इस रूट पर आता हूँ तो यहाँ पर एक स्टॉप ज़रूर लेता हूँ क्योंकि सामने का भी उतना मस्त होता है। क्या मस्त व्यू हो देखो। तो अभी 4-5 दिन पहले जब मैं आया था तो यहाँ से एक वाटरफॉल बह रहा था, देखो पानी अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर है जमा, आज नहीं है, आज तो धूप आई थी। वैसे भी वो बोर्ड लगा है देखो सामने वाइट कलर का बगुलामुखी मंदिर का, यहाँ से भी जा सकते हैं। बगुलामुखी मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से और एक पीछे था जो आपको दिखाया था, सीढ़ी टाइप बना हुआ था, यहाँ से गाड़ियाँ भी जा सकती है। तो फिलहाल अभी तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि आगे मुझे अभी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है और फिर अंधेरा हो जाएगा नहीं तो। तो वो गेट है वहाँ सामने और यहाँ से भी दिखता है मंदिर, वो सामने मुझे दिख रहा है येलो कलर का, वो देखो जय भोले बाबा। और मैं सोच रहा हूँ इस मंदिर के एक डिटेल वीडियो बनाऊँ क्योंकि इतना सुंदर है, नदी के किनारे बसा हुआ और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। जल्दी कोशिश करूँगा इसके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊँ अच्छे से। फ़िलहाल अभी यहाँ का सीन देखो बहुत मस्त है यार, मज़ा आ रहा है इसको राइड करने में। मंदिर से आगे आ गया हूँ और ये रास्ता जाएगा छिबरों की तरफ और सीन देखो हर तरफ, मतलब सीन एक से बढ़कर एक दिख रहे और चारों तरफ यहाँ पर जंगल। वैसे उस तरफ सनसेट हो गया है पर पेड़ों के जैसे अभी नहीं दिखा पाऊँगा, आगे चल के देखते क्या पता दिख जाए। और थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है वहाँ पर, तो चलो चलते हैं। ये जाते लगभग 1 किलोमीटर छिबरों आ जाएगा और वहाँ से इधर की तरफ राइट मुड़ने पर हम कालसी की तरफ जा सकते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तो ये लेफ़्ट वाला रास्ता तोरू हिमाचल की तरफ जाएगा। तो मेरा अभी डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गया, तो मैं 6 किलोमीटर और चढ़ूँगा यहाँ से जितना भी होगा। और मेरा फ़ोन में अभी रिकॉर्डिंग करते हैंग प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, ये देखो अगर आपको वीडियो में लैग आ रहा होगा। और चेस्ट माउंट भी है वैसे मेरे पास पर फिर वो वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबलाइजेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा शेकी वीडियो बनती है तो मैं इसलिए हैंड से अभी बना रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। एक स्क्रू खो गया है जिसकी वजह से ये ढीला हो गया थोड़ा, ये देखो ये इधर उधर मूव कर रहा है तो लाइट गिरने का खतरा है। तो मैंने अभी फ़िलहाल टेम्परेरी जुगाड़ यहाँ पर ये फेविक्विक लिया है, इससे थोड़ा सा इसको यहाँ पर चिपका दूँगा फ़िलहाल काम चलाने के लिए। मैंने फेविक्विक लगा दिया और इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है और तब तक मैं यहाँ पर ले खा लेता हूँ, भूख लग रही थी। अभी यहाँ पर ऑल्टीट्यूड 498 मीटर है, 6 किलोमीटर में देखते हैं कितना जाता है। पीछे देखो क्या सीन है यार गाइस, अभी हमने जस्ट 300-400 मीटर कवर करा होगा और यहाँ की चढ़ाई क्योंकि बहुत खड़ी है तो 62 मीटर का एलिवेशन गेन हो गया इतनी जल्दी। और नीचे सीन देखो गाइस, ये देखो सामने का पहाड़ बिल्कुल मस्त और नीचे देखो नदी बहरी, वो सामने वो सड़क है वहाँ पर और वहाँ से एक गाड़ी आ रही है वो देखो छोटी सी। और नीचे है वो वहाँ पर चेक पोस्ट और यहाँ से ये रास्ता जाएगा कालसी की तरफ और मैं इधर से आया हूँ और मुझे जाना है अभी इधर, तो अभी और डिस्टेंस कवर करना है। ये सड़क अभी हाल फिलहाल में ही बनी होगी कुछ समय पहले,
क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो यहाँ पर बहुत ही ख़राब सड़क थी, बिल्कुल पत्थर ऐसे पहने पहने पत्थर उखड़े हुए थे पूरे यहाँ पर, तो रोड की हालत भी ठीक कर दी वैसे यहाँ पर। और अभी तो यहाँ से देखो पुल भी दिख रहा है, ये देखो वो रोड, देखो ये आ रही है और वो जा रही है कालसी की तरफ, और जो ये है ये कोटी की तरफ जा रही है। फटाफट चलते हैं गाइज, मैं जगह जगह रुकते जा रहा हूँ, सीन इतने बढ़िया मिल रहे फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन ऐसे लेट हो जाएगी, अंधेरा होने वाला है। और अभी डिस्टेंस ऐसे कम करना है, पर चढ़ाई बहुत है देखो, तो इसलिए अभी टाइम तो लगेगा। और इस सड़क में कोई भी आ रहा जा रहा नहीं है, ये बिल्कुल ही ऐसे लोनली सड़क है, तो अगर शांति से बैठना हो कहीं पर आके तो यहाँ आ जाना टोरू वाले रास्ते पे, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, पूरी एलिवेटेड रोड है जब तक आप टोरू नहीं पहुँचते। और ग्रेडियंट तो यहाँ पर 9-10 से जा ही नहीं रहा अभी तो, ये देखो 15% ऐसे चल रहा है अभी तो, बहुत चढ़ाई है लेकिन व्यूज़ भी उसी के साथ इतने बढ़िया है देखो। तो गाइस यहाँ से देखो, यहाँ से और बढ़िया व्यू लग रहा है, और ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। वो सामने वाला वो शायद बाढ़ वाला हरिपुर साइड है, और उधर विकास नगर। चलो चलते हैं आगे, अंधेरा होने वाला है। तो गाइस लगता है रोड यहीं तक ही बनी है, देखो आगे ख़राब रास्ता फिर चालू हो गया, तो जैसा ये रास्ता है वैसा ही रास्ता था यहाँ पीछे भी, ये पीछे जो रोड है पूरा ऐसे ही रास्ता था, वो आगे ख़राबी है, इतनी बनाई है रोड सिर्फ। चलो चलते हैं, ऑफ रोडिंग का टाइम। ये देखो सीन मस्त, मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए स्टेबलाइजेशन तो वैसे ही फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ तो गड्ढे हैं, तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गाइज नहीं वो रास्ता वहाँ तक इसलिए छोड़ा था शायद इधर, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है यहाँ, आगे से बना रखा है, बढ़िया है। तो एलिवेशन में एक हाथ से चलाने में दिक्कत हो रही है, मैं दोनों हाथों से चलाता हूँ, फ़ोन रख देता हूँ। आ गया मैं भी बहुत टॉप पे, और अभी 17.38 किलोमीटर हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ 18 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ आगे जाके, और जब मैं इधर से जाऊँगा ये कालसी वाली रोड से, तो ये रास्ता 2-3 किलोमीटर वैसे भी लंबा ही है, तो मेरा 40 किलोमीटर वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि यार अंधेरा होने वाला है लगभग, अभी हो ही गया है, कैमरे में पता नहीं चल रहा है कि नहीं, तो इसलिए। और वैसे भी इस रोड में ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो सोच रहे हैं ऐसे चल जाऊँ। और ये हाई वोल्टेज लाइन जा रही है, देखो इसमें आवाज़ भी आ रही है, वो नीचे वहाँ पर उसका टावर है वहाँ मिल रही है ये, बाकी सीन बहुत अच्छा है यहाँ से, ये देखो गाइस यहाँ पर 18 किलोमीटर हो गया है, और अब मैं वापस की तरफ मुड़ूंगा यहाँ से, और आते हुए तो बहुत चढ़ाई थी, अब जाते हुए डाउन हिल है। अभी मेरे पास चेस्ट माउंट होना चाहिए था नीचे जाते हुए कि मस्त वीडियो बनती, पर नीचे जाते हुए तो मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि ब्रेकों पे हाथ रहेगा, बाकी अंधेरा देखो बस अब हो ही गया, लाइट तो वैसे मैं ला रखा हूँ ये रे। तो चलो चलते हैं, जाने से पहले पानी पी लेता हूँ, और काफ़ी दिनों बाद ऐसी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने लगभग हो गए होंगे ऐसी चढ़ाई ना चढ़े हुए, क्योंकि वो चेन रिंग की प्रॉब्लम थी ना साइकिल की, तो यहाँ पर आज एलिवेशन ने हालत ख़राब करी। पानी पुनी पी लेता हूँ, बहुत पसीना भी निकल गया है, और चिप्स वगैरह भी खा लेता हूँ, भूख भी लग रही थोड़ी। पूरी सुनसान सड़क है देखो गाइस, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई ज़्यादा आ भी नहीं रहा। तो गाइस ये मैंने लेस खा लिया है, और इसको अब जब भी आप आए तो ऐसे फेंके ना कभी भी पहाड़ों के आसपास यहाँ पर किनारे, मैं इसको अपनी जेब में रख लूँगा वापस, और घर ले जाके इसको डिस्पोज कर दूँगा डस्टबिन में, तो ये मैंने रख लिया है। तो आप भी ऐसे ही करें, और जो हमारा इन्वायरमेंट है हमारे जो पहाड़ पेड़ पौधे हैं इनको क्लीन रखें बिल्कुल। तो गाइज़ ये मैं आ गया हूँ नीचे, वहीं उसी मोड़ पे जहाँ से मैंने टूर की तरफ जाने के लिए रास्ता लिया था,
और नीचे आते हुए तो पता भी नहीं चला रास्ते का। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा, ये इधर से जो कालसी की तरफ से निकलेगा, तो चलो चलते हैं। मैंने जो आपको पुल दिखाया था वो ये रहा सामने, अभी मैं यहीं पर ही आ गया हूँ। और यहाँ से मैं ये राइट की तरफ जाऊँगा, जहाँ से वो गाड़ी आ रही होगी, आपको दिख रही होगी लाइट आ रही, तो मैं फटाफट चलता हूँ यार गाइस, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है बहुत और आगे जंगल भी है, मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। गाइज अभी मैं आ गया टोरू की तरफ से राइड करके वापस विकास नगर, और लगभग 8:30 के करीब पहुंच गया था। और अभी आया हूँ मैं अमित भैया की दुकान पे, क्योंकि मेरा जो पीनट बटर है वो ख़त्म हो गया था, तो वही लेने आया हूँ। अमित भैया तो वैसे घर पे भी है नहीं, तो अमित भैया के भैया है यहाँ पर। तो भैया का नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है और मुझसे काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ। हाँ, तो भैया से काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ। और अमित भैया जा रखे हैं अभी ट्रैक पर, कौन से वाले ट्रैक पर भैया? श्रीखंड महादेव अभी ट्रैक पर भैया जा रखे हैं, और कल तक भैया भी पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो भैया मेरे को कोई पीनट बटर दिखा दो। सो इस बार मैं उम्मीद को ले रहा हूँ माई फिटनेस पीनट बटर, काफ़ी अच्छा पीनट बटर है ये और काफ़ी टेस्टी है, और फ्लेवर है इसका चॉकलेट क्रिस्पी, प्रोटीन कंटेंट भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। आई होप उम्मीद को बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले उम्मीद ने रॉय ट्राई करे, तो देखते हैं उम्मीद से जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले मैं एज इट इज़ 4-5 बार एज इट इज़ वाला लेके गया हूँ, लेकिन एज इट इज़ वाला देखो वहाँ पर अभी खाली पड़ा है वो रैक, तो वहाँ पर भैया का सभी स्टॉक ख़त्म है। तो कब तक आ जाएगा भैया? अभी हमारा कल तक आ जाएगा। अच्छा, तो इसको लेकिन इस बार हम फ्लेवर ट्राई कराना चाहेंगे, ये रोबोट बार ट्राई कर चुका है। ठीक है भैया, ओके। तो ये रहा। सो गाइज, अगर किसी को भी प्रोटीन पाउडर कुछ भी चाहिए होगा, पीनट बटर या कोई भी सप्लीमेंट्स चाहिए होगा, तो सब यहाँ पर मिलता है। आप भैया की शॉप पर आ सकते हैं, अमित भैया की, जो दिनकर विहार में है। ये देखो, वाइल्ड फ्यूल न्यूट्रिशन। ओके, तो दिनकर विहार में है। और ये देखो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको, सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये देखो, मसल गेनर, प्रोटीन पाउडर, सब कुछ मिलेगा आपको। और अमित भैया का ट्रैकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो ये ट्रैकिंग का भी आपको सारा सामान मिल जाएगा। ये देखो, स्लीपिंग बैग्स, कैंपिंग का सामान, जो भी होता है ना, मतलब जितनी भी चीज़ें, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। देखो, मैं आया हूँ यहाँ पर गीता वन, कृष्णा डेयरी में पनीर लेने के लिए। ये पनीर मैंने, और चलते हैं अब यहाँ घर की तरफ। मैं LED बल्ब लेने आया था यार, घर पे 2-3 LED ख़राब हो रखी हैं। मेरे को 2 दे दो, 2। हाँ, बाजार पूरा बंद हो ही गया लगभग गाइस, 1-2 दुकानें अभी मिल गई बस खुली हुई। सो गाइस, अभी हो गया टाइम 9:40 रात के, और घर पे पहुंच गया हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि अभी एडिट भी करना है वीडियो को। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो यार इसको कर दो लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।